हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक, दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इंडेस 23 का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखेंगे, दैट इज बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड। उसके कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 7.243। अ रियल एस्टेट कंपनी हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ परमिट अलाउइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। इन्होंने क्या किया, परमिशन लिए। क्या लिया है? परमिशन ली है। आपको पता है ना, कोई भी काम करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, तो इन्होंने परमिट लिया है। इट हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड इक्विपमेंट दैट विल बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग। काम क्या है? बिल्डिंग बनाने का। आप क्या हो? कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप बनाने वाले हो बिल्डिंग, तो आपको उससे पहले परमिशन चाहिए, तो आपने परमिशन लिया। और बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो आपने इक्विपमेंट्स खरीदे, दो चीज़ें खरीदी। बात समझना। अब हमने बोला बोरोइंग कॉस्ट, मतलब जो भी फंड्स रेज करें उससे रिलेटेड जो भी आपकी कॉस्टिंग है, वो आप क्या करते हो, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टिल द एंड ऑफ द एक्सपेंडिचर, आप क्या करते हो, उसे कैपिटलाइज करते हो। कैपिटलाइज किया जाएगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, और उसको P&L में डाला जाएगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट हम तब मानेंगे जब वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी, तब जब वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी बनने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंस कंस्ट्रक्शन होने वाला है, सिंस कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मतलब बिल्डिंग क्या है आपकी, क्वालिफाइंग असेट है। बिल्डिंग क्या है? क्वालिफाइंग असेट है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए स्टेप वन क्या है? लाइसेंस लेना। अगर लाइसेंस लेकर आपको सिर्फ आगे बेचना होता, रीसेल करना होता, तो लाइसेंस तो रेडी टू यूज़ है, कोई सब्सटैंशियल पीरियड नहीं लग रहा इसको बनने में। तो अगर आपने लाइसेंस लेकर हाथों हाथ रीसेल कर दिया होता, तो आप बोलोगे ये लाइसेंस क्या है, नॉन क्वालिफाइंग असेट है। पर यहाँ पर चूँकि आपका लाइसेंस मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन लेकर आई है, इसको रीसेल नहीं करना, अगर रीसेल नहीं करना, अपने पास रखना है, और बिल्डिंग क्वालिफाइंग असेट है, तो उसका ये स्टेप नंबर 1 है, एक्सपेंडिचर नंबर 1 है इन रिलेशन टू दी क्वालिफाइंग असेट प्रिपरेशन। आर यू क्लियर? तो हमने बोला कैन बोरिंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ द परमिट एंड द इक्विपमेंट बी कैपिटलाइज, क्या इसे अपने असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं या नहीं। Will be construction of the building is complete. Until the construction of the building is complete, हमने बोला जब तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होता है। स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर कहाँ से हुआ? परमिट लेने से। एंड कब होगा? जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। तब तक के बीच की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें या नहीं करें, ध्यान से एक एक करके देखेंगे। परमिट आपका स्टेप नंबर 1 है, ये एक तरीके से क्वालिफाइंग असेट जो बिल्डिंग है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए इसका पैसा कैपिटलाइज होगा। पर यहीं पर आपने जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं वो रेडी टू यूज़ है। क्या है? रेडी टू यूज़ है। हाथों हाथ मशीन आई और आप बनाने लग जाओगे, फर्नेस आया और फर्नेस बनाने लग, फर्नेस से काम लेने लग गए, सीमेंट की वो मशीन आई, आप बनाने लग गए उससे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ये इक्विपमेंट्स रेडी टू यूज़ है, इनको बनने में सब्सटैंशियल पीरियड नहीं लग रहा, इसलिए आप क्या मानोगे, इसलिए आप इसे क्वालिफाइंग असेट नहीं मानोगे। इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो आपकी, इससे रिलेटेड जो भी बोरोइंग कॉस्ट है उसका जो भी कॉस्टिंग लग गई है, इंटरेस्ट वगैरह, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। क्या बोला हमने? असेट में ये इक्विपमेंट्स के पार्ट्स तो कैपिटलाइज होंगे, पर इससे रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो P&L में चार्ज करी जाएगी। एक बार सॉल्यूशन रीड करेंगे, ठीक है। ये आपका परमिट से रिलेटेड है, ये आपका इक्विपमेंट से रिलेटेड है। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इसके अलावा अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसी तरीके से सारे के सारे इलस्ट्रेशंस क्लास में ही कवर करते हैं। तो पूरे कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर स्टे अहेड नाम से है, और iOS पर ये क्लास प्लस नाम से है। मिलते हैं अपने आगे की वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।